सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा तुहाडे आपदे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पॉइंट दे विच। इतिहास विषय नाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लैके एक बार फिर तो हाजिर हाँ। देखते हैं अपना अज का पहला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है जी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नैक्सट देखो, पिंगली वेंकैया क्यों प्रसिद्ध सी? पिंगली वेंकैया नाम का व्यक्ति सी, वह क्यों प्रसिद्ध सी? उसने भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया सी, जिस कारण वह प्रसिद्ध सी। ठीक है जी, भारत का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया सी, जिस कारण इसकी प्रसिद्धि हुई सी। जे दूसरे लोड़ पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति कौन सी, तो वह सी पिंगली वेंकैया। नैक्सट क्वेश्चन देखो, भारत के विच पछमी सिक्ख्या प्रणाली के अग्रदूत कौन मने जाते हैं? भारत के विच पछमी सिक्ख्या प्रणाली के अग्रदूत कौन सी, कौन मने जाते सी? तो यह मने जाते सी राजा राम मोहन राय, इसका सही उत्तर है। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसनों मनिया जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसनों मनिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय, भारत के विच पछमी सिक्ख्या प्रणाली का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, किस भारती ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध वजों अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी सी? अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी गई सी नाइटहुड की। ठीक है, तो उसनों वापस कर दिता सी जदों जलियांवाला हत्याकांड होया सी। तो वह व्यक्ति कौन सी? वह सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नूं नाइटहुड की उपाधि दी गई सी, जिसनों उन्होंने वापस करता सीगा। ठीक है, साल 1919 दे विच जदों जलियांवाला बाग हत्याकांड होया सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला किस दी रचना है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान जड़ा है अमार सुनार बांग्ला, एक किस दी रचना है? तो यह रचना है रविंद्रनाथ टैगोर दी। रविंद्रनाथ टैगोर दी रचना है अमार सुनार बांग्ला। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, भारतीय सिविल सेवा विच पास होने वाला पहला व्यक्ति कौन सी? भारतीय सिविल सेवा दे विच पास होने वाला पहला व्यक्ति कौन सी? तो यह सी सतेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है जी, सतेंद्र नाथ टैगोर सी भारतीय पहला व्यक्ति जिसने कि सिविल प्रीख्या पास की। नैक्सट क्वेश्चन देखो, अभिनव भारत क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था सी, उसकी स्थापना किसने की? अभिनव भारत क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की? तो यह की वी डी सावरकर ने 1904 दे विच। ठीक है जी, वी डी सावरकर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कित्थे होया सी? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कित्थे होया सी? इन्हां दा जन्म होया सी कटक दे विच, कटक उड़ीसा दे विच। ठीक है जी, उड़ीसा दे विच होया सी कटक दे विच। नैक्सट क्वेश्चन देखो, आज़ाद हिंद फौज का गठन कदों होया? आज़ाद हिंद फौज का गठन कदों होया? यह होया सी साल 1942 ईस्वी दे विच। नैक्सट क्वेश्चन देखो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कदों हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कित्थे हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कित्थे हुई सी? ये हुई सी सिंगापुर दे विच। ठीक है जी, सिंगापुर दे विच आज़ाद हिंद फौज की
स्थापना हुई सी। जय हिंद का नारा किसने दिता? जय हिंद का नारा किसने दिता? यह दिता सीगा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिता सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी नूं राष्ट्रपिता किसने कहा सी? महात्मा गांधी नूं राष्ट्रपिता किसने कहा सी? तां इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बारी महात्मा गांधी नूं राष्ट्रपिता कहा सी, जिस तों बाद इह हुण तक कहा जांदा गा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है अते मैं इसनूं लै के रहांगा, यह किसने कहा सी? यह कहा सी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा सी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है अते मैं इसनूं प्राप्त करके रहांगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, बाल गंगाधर तिलक नूं लोकमान्य दी उपाधि कदों दित्ती गई? बाल गंगाधर तिलक नूं लोकमान्य दी उपाधि कदों दित्ती गई? होम रूल अंदोलन दे समय दित्ती गई सी। ठीक है, होम रूल अंदोलन दे समय इन्हां नूं लोकमान्य दी उपाधि दित्ती गई सी। यह साल सीगा 1916 दा। ठीक है जी, होम रूल अंदोलन दे समय उपाधि दित्ती गई सी, ते जे साल पुछिया जावे तां साल सी 1916 ईस्वी दा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 1951 ਵਿੱਚ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਭੂਮੀ ਉਪਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਉਪਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਲ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। नैक्सट क्वेश्चन देखो, अलीगढ़ अंदोलन किसने शुरू किया सी? अलीगढ़ अंदोलन किसने शुरू किया सी? तां यह अंदोलन शुरू किया सी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान दे समय दे, सॉरी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ अंदोलन शुरू किया सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, अलीगढ़ विच मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? अलीगढ़ दे विच मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया सी? तां इह स्थापित किया सी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, बाद दे विच इह कॉलेज अलीगढ़ यूनीवर्सिटी बन गया सी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र अमरीका दे विच सैन फ्रांसिस्को दे विच गादर पार्टी दी स्थापना किसने कीती? संयुक्त राष्ट्र अमरीका दे सैन फ्रांसिस्को विच गादर पार्टी दी स्थापना किसने कीती सी? तां इह दो जणे सी, लाला हरदयाल अते सोहन सिंह भखणा, इन्हां ने स्थापना कीती सी गादर पार्टी दी फ्रांसिस्को दे विच। इह सी अपनी अज दी वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो तुहाडे लई लाहेवंद होएगी। जेकर वीडियो चंगी लगी तो इसनूं लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल नूं सबसक्राइब करियो ता कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक होर वीडियो दे नाल। धन्यवाद।